बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन चुका है। देश भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी करने वाले संस्थान QS ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की सूची जारी की है, जिसमें बेंगलुरु के ग्लोबल रैंकिंग जो ये इंस्टीट्यूट है इसकी ग्लोबल रैंकिंग 155वें स्थान पर रही। वहीं 41 भारतीय विश्वविद्यालयों ने भी QS यानी कि क्वाकुरेली साइमंस की रैंकिंग में अपनी जगह बना ली है। लंदन के QS यानी कि क्वाकुरेली साइमंस ने आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी की है। इसमें बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान को दक्षिण एशिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ विश्वविद्यालय बताया गया है। QS की ओर से जारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत के 4 IIT संस्थानों ने भी दुनिया के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की सूची में अपनी जगह बनाई है। QS रैंकिंग के मुताबिक इस सूची में IIT बॉम्बे ने 5 पायदान की छलांग लगाते हुए 172वां स्थान हासिल किया है। IIT बॉम्बे को भारत का दूसरा सबसे अच्छा संस्थान बताया गया है, जबकि IIT दिल्ली ने 11 स्थान ऊपर चढ़कर 174वां स्थान हासिल किया है। IIT कानपुर ने 13 पायदान ऊपर चढ़कर इस रैंकिंग के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ 264वां स्थान हासिल किया है, जबकि IIT रुड़की 31 स्थानों की छलांग लगाते हुए अपने उच्चतम रैंकिंग 369वें नंबर पर पहुंच गई है। QS रैंकिंग की सूची में IIT इंदौर को 396वां स्थान मिला है। रैंकिंग के मुताबिक OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी लगातार तीसरे साल QS की सूची में सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाली निजी यूनिवर्सिटी है। कुल 41 भारतीय यूनिवर्सिटीज ने QS रैंकिंग की सूची में स्थान हासिल किया है, जिनमें 12 के रैंक में सुधार हुआ है, 12 की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, 10 संस्थानों की रैंक में गिरावट आई है, जबकि देश के 7 यूनिवर्सिटीज पहली बार इस सूची में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस रैंकिंग के मुताबिक 13 भारतीय विश्वविद्यालयों ने दूसरे वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं के मुकाबले अपने शोध प्रभाव में सुधार किया, इसकी वजह से उन्हें QS रैंकिंग में जगह मिली। वहीं JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया की रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि इनकी रैंकिंग पिछले एडिशन की तुलना में फिसल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।